जैसे ही आप अपने सारे डिटेल्स को डाल देंगे उसमें सही सही डाल के चेक करके फिर सेव एस ड्रा सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि याद रखिए एक बार जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आप सेव किया हुआ फिर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत अच्छे से देख लें और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करें। तो आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा ही डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसमें आपको गार्जियन नेम डालना होगा आपका ऊपर में, और गार्जियन नेम किस स्टेट से हैं, क्या है आपका एड्रेस, ये सब डालना होगा उसमें, आप वो सब भर देंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट नीचे आइएगा तो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने का सेक्शन होगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें पहला तो है, सबसे पहला स्टूडेंट अपना फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करेंगे उसमें, और दूसरा इनकम सर्टिफिकेट उस पर अपलोड करके क्लिक करके अपलोड करेंगे, फिर देख लेंगे। उसमें अपलोड करने पे क्या होता है कि खुलता है एक, आपको डेट ऑफ इशू डालना है कि आपका कब का इशू है, ठीक है ना, आपके ओबीसी जो भी सर्टिफिकेट होगा इनकम का तो सब पे दिया हुआ रहेगा, डेट ऑफ इशू किसके द्वारा इशू किया गया है ये सब दिया हुआ रहता है मतलब, तो वो सब उसमें भी अपलोड करने के पहले ऊपर में भर लेना है, अच्छे से भर लेना है, ठीक है, उसी तरह भरना है कास्ट को भी, उसमें भी डेट ऑफ इशू ये सब है। फिर सिर्फ कॉलेज का भी भरना है, उसमें भी दिया हुआ रहता है डेट ऑफ इशू कब का है, कितना बिल नंबर है, सब भी उसमें आप भर दें। स्कैन कॉपी ऑफ द पासबुक भर देना है, ठीक है, आपको पासबुक कब इशू हुआ है ये भी भर दीजिएगा, और यह स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट लास्ट एग्जाम मार्कशीट उसका भी होता है डेट ऑफ इशू नीचे हुए सर्टिफिकेट में दिया हुआ रहता है, वो भी आप देख के भर दें। और उसके बाद आप देख लें कि अगर सब चीज़ सही है तभी सेव एज ड्राफ्ट कर लें, देख लें खोल के एक बार अपलोड, यहाँ पे नॉट अपलोडेड है जो अपलोड करेंगे तो दिखाई देगा, यहाँ पे प्रीव्यू देख लें सब चीज़ ठीक है ना, और सबका अगर साइज किसी भी का अगर एक 200 KB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, तो फिर उसको स्कैन करके साइज उसका कम करें फिर अपलोड करें, फिर अपलोड ले लेगा, ठीक है। और फिर सब चीज़ देख लें सब सही है तभी फाइनल सबमिट मारें, क्योंकि फिर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंज, अब बैक अकाउंट तो अब नहीं चेंज हो पाएगा लेकिन कुछ और बेसिक चीज़ चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आप फाइनल सबमिट सोच समझ के मारें, आप फाइनल सबमिट मार दें अगर आप पूरी तरह से ठीक हैं तो फाइनल सबमिट मार दें। और फाइनल सबमिट मारने के बाद क्या करें, आप प्रिंट आउट ले लें, आपका एक प्रिंट आउट आ जाएगा, उस स्कॉलरशिप का पूरा प्रिंट आउट आ जाएगा, उस प्रिंट आउट में क्या करें जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके सारे का फोटोकॉपी आप लगा दें और उसको अपने हेड ऑफ स्टूडेंट से वेरीफाई करवा लें, कॉलेज में जाएं और कॉलेज वहां से वेरीफाई कर देगा, फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा, फिर आगे अगले लेवल पे वेरीफाई होगा और आप यहाँ से स्टेटस जान सकते हैं लॉगिन आईडी करके, वो भी मैं बताऊँगा कैसे स्टेटस जानें अपना स्कॉलरशिप का, वो अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। तो ठीक है, अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कोई और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अभी स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा या भरना चाहता है और कैसे भरना चाहता है वो नहीं जानना है, तो थैंक यू।